नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे में जो ALP की वैकेंसी बढ़ी है उसका नोटिफिकेशन के बाद में एक और नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि जो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी है 2024 वाली, जो पहले 9,000 थी उससे बढ़कर सीधा 30,000 पद हो गए हैं। और उस वायरल नोटिस में कितनी सच्चाई है ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें देखेंगे कि रियल में बढ़ गई है, वो कौन सा नोटिस है जिसमें 30,000 वैकेंसी का दावा किया जा रहा है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या ये भी नहीं है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में कि 9,000 से बढ़कर सीधा 30,000 पद टेक्नीशियन में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ALP की वैकेंसी के बाद जस्ट बाद टेक्नीशियन का भी बड़ा हुआ नोटिस वायरल हो रहा है। तो उस वायरल नोटिस की सच्चाई इसके बारे में इसमें देखेंगे। तो ये दोनों नोटिस आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो ALP का नोटिस है उसमें ये दिखाया गया था कि देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है वो 18,799 हो गई है। इसी का सेम टू सेम ये भी नोटिस वायरल हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये टेक्नीशियन का वायरल हो रहा है कि जो वैकेंसी है वो 9,144 से बढ़कर सीधा 30,365 वैकेंसी दिखाई जा रही है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये रियल है या फेक है, क्योंकि इस जो ये नोटिस है ALP का, इसका टू कॉपी इधर किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो जो लिखा है वैसा सेम, ये डेट भी इसमें सेम मिलेगी आपको। इसमें ये देख सकते हैं इधर 18 डेट है और इसमें भी 18 डेट है। तो ये जो टेक्नीशियन का नोटिस है ये फेक है। और ये क्यों फेक लगा ये आपको मैं बताता हूँ कि जो ALP का ये आप इधर देख सकते हैं कि ALP और टेक्नीशियन, इसमें ये चेक करेंगे जो ALP में ए का फॉन्ट है, फॉन्ट साइज, इसमें टेक्नीशियन में इस फॉन्ट में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सबसे बड़ा अंतर ये भी है कि अभी नीचे देख सकते हैं आप, इसका फेक का ऐसे आइडिया लग रहा है कि जो ये विद्याधर शर्मा है जो इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर किया है, और इसमें भी आप देख सकते हैं टेक्नीशियन वाले में तो विद्याधर शर्मा, इसमें भी इसने किया है, इन दोनों में सेम सिग्नेचर किया है। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो विद्याधर शर्मा जिन्होंने ये डिजिटल सिग्नेचर किया है, ये डेट को किया है कि 18 जून 2024, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 18 जून 2024, डेट सेम हो सकता है लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का टाइम एक साथ दो दो सिग्नेचर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 19:47 और 8 सेकंड पर यह साइन किया गया है। और इसमें भी सेम 19:47 और 8 सेकंड पर यह साइन किया गया है। तो जिन्होंने भी फेक नोटिस बनाया है, ओनली इसमें टेक RRB ALP की जगह पर टेक्नीशियन चेंज कर दिया है। इसके अलावा और ये वैकेंसी है ये फेक दिखाया गया है कि इतनी वैकेंसी है और इतनी बढ़ गई है, टेक्नीशियन का बिल्कुल फेक नोटिस है ये। इसमें साफ साफ पता चल रहा है, एक तो इसमें फॉन्ट साइज़ का भी डिफरेंस आ रहा है, और इसमें जो ये विद्याधर शर्मा जी ने जो डिजिटल सिग्नेचर किए हैं उसमें भी जो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं इन्होंने जो साइन किए हैं डिजिटल सिग्नेचर, इनमें भी एक सेम चीज़ आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये नोटिस बिल्कुल फेक है, क्योंकि आजकल क्या है, जब PDF है उसको एडिट किया जा सकता है किसी भी एप्स के द्वारा, जो एडिटर एप्स आता है PDF को एडिट करने वाला, उसमें एडिट करके ALP की जगह पे इन्होंने टेक्नीशियन फिल कर दिया, और जो ये डाटा है वो गलत एंटर करके ये नोटिस वायरल किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूज ना हो, ये ALP का नोटिस रियल था लेकिन जो टेक्नीशियन का नोटिस है वो बिल्कुल फेक है। ALP की वैकेंसी ही बढ़ी है इसमें 5,696 से 18,799, लेकिन जो ये टेक्नीशियन का दावा किया जा रहा है कि 9,144 से 30,000 वैकेंसी हो गई है, बिल्कुल फेक दिखाया गया है। ये 5,696 से 18,799 ALP की जो वैकेंसी है वो रियल बढ़ी है, इसका नोटिफिकेशन भी रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन का ये फेक नोटिस जारी किया जा रहा है, तो आप ऐसे फेक नोटिसों पर बिलीव ना करें। तो इससे डिजिटल सिग्नेचर से पता चला है कि जो ये फेक नोटिस है या रियल है, और फॉन्ट साइज से भी इसमें पता चला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।